आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुसीबत बनी बारिश ने अब मुंबई में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है। बुधवार को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 31 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना के साथ ही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसके तहत मुंबई और पुणे में बुधवार को रात भर बारिश हुई है। गुरुवार को मुंबई समेत अन्य शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार रात को हुई तेज बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं पानी का बहाव इतना तेज है कि एक शख्स को बहते देखा गया, मगर लोगों की मदद से उसे रेस्क्यू कर उसे बचा लिया गया। पुणे और मुंबई में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हैदराबाद की तरह ही मुंबई और पुणे में जल प्रलय सा नजारा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुधवार से महाराष्ट्र के मुंबई और थाने समेत दूसरे इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं गुरुवार को उत्तरी कोंकण के साथ मुंबई और थाने के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भारी बारिश की आशंका है। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पुणे के इंदापुर, नीमगांव, केतकी और बिघवन में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इंदापुर में अब तक 178 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उजनी बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से पुणे सोलापुर हाईवे पानी से लबालब हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा। मुंबई, थाने और रायगढ़ में 14 और 15 अक्टूबर को भारी बारिश की पूरी संभावना है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भारी बारिश की वजह से किसानों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। धान की फसलों, केले, पपीते के पेड़ों और ड्रम स्टिक पेड़ों और बागवानी फसलों को नुकसान हो सकता है। उधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मंगलवार और बुधवार को हुई भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात में मरने वालों का आंकड़ा 30 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से बात की। उन्होंने दोनों राज्यों में भारी बारिश से बने हालातों के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।